हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, मतलब गुड इवनिंग क्या, गुड इवनिंग, लेकिन अभी गुड नाइट का समय हम लोग सोने जा रहे हैं। अभी देखिए कितना बज रहा है, टाइम देखिए आप, 12:15 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नहीं, 12:15 है। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है हस्बैंड को सरप्राइज़ देने का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैंने मतलब मेरे मामा जी के बेटे का कल तिलक है, तो मैं कल उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। उनको नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ, और उनको बहुत अच्छा, कोई और लेने आते हैं, अगर वो लेने आएंगे तो सरप्राइज़ यहीं पे फिनिश हो जाएगा, और अगर जो कोई और लेने आता है अगर, तो फिर वहाँ जाके वो शॉक हो जाएंगे, मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट है, और ये देखिए, आप लोगों को नहीं पता है कि मैं खाना खाने के बाद मुझे कुछ नमकीन खाने की आदत है, तो अभी कुछ नहीं मिला तो मुझे ये मिला, तो ये मैं खाने जा रही हूँ। खा के उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पी के मैं फिर सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह और देखते हैं क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत मज़ा आने वाला है। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो मैं सोच के उठ चुकी हूँ, और ये देखिए लिटिल भी आ चुका है। हाय कर लिटिल। तो अभी अभी कल लिटिल रह गया था अपने मौसी के यहाँ, उसकी मनु दीदी उसको रोक ली थी, तो वो वहीं पर रुक गया था, मैं आपको बताना भूल गया था आपको, तो वहीं पर रह गया था, तो वो अभी अभी आया हूँ मेरा सोना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रुक चुकी हूँ, मिलती हूँ आप लोग को ब्रश वगैरह करके, और जो भी है अपना काम नहा धो के जो भी है तब मिलती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पता चल रहा है कि जो तिलक है वो दिन में ही है, रात को होता है, लेकिन यहाँ पे पता चला हम लोगों को कि ये दिन में ही है। तो प्लान सारा उल्टा फुल्टा हो गया। अभी हम लोग ऐसे ही नॉर्मल सा पहन के जा रहे थे कि वहाँ पे जाके चेंज करेंगे शाम को, लेकिन अब ये हुआ है कि यहीं पे ही सब पहन के जाना पड़ेगा। तो जो भी था, मतलब पहन चुके थे, लेट भी हो रहा था, तो जो जो था वही पहना। बस लिटिल का मैंने टी शर्ट चेंज किया, वो हाफ पैंट नहीं पहन रहा था, उसको फुल पैंट पहनाया मैंने, ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना है। तो फ्रेंड्स, चलिए तैयार होते जल्दी जल्दी, ये भी तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला मैंने ये वाली साड़ी पहने, तो ये बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि गांव है, गांव में इस तरह का थोड़ा वाइट ब्लाउज का, मतलब ये स्टाइलिश है, पार्टी वेयर है, तो बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो चेंज करो। तो फिर क्या करूँ, मुझे चेंज करना पड़ा। साड़ी मैंने मीशो से मंगाई है, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी या इसका लिंक चाहिए होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मैंने चेंज किया, फिर येलो और रेड में मेरे पास एक साड़ी थी, बहुत अच्छी साड़ी है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो फिर मैंने उसको चेंज करके वो येलो और रेड वाली साड़ी मैंने पहन ली। गुस्सा कर रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। जो भी हो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे साड़ी पहनने में हेल्प भी करते हैं, देखिए उन्होंने बहुत सारी हेल्प की मेरी, और जल्दी जल्दी फिर मैंने साड़ी पहना और फिर मैं तैयार हुई। हम लोग जा रहे हैं तिलक में, और हस्बैंड लेने के लिए आए हैं, वो देखिए मजा आ रहा है मम्मी। हां आ रहे हैं, तो ये लोग बच्चे में तैयार हो जाएगा, देखो लिटिल हाय करो। तो चलिए आपको से मिलते हैं वहीं पे, मैं कैसी लग रही हूं बताइएगा। ये था मेरा फाइनल लुक। हां
ओह माय गॉड, बीमारी में जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनल लुक है मेरा, कैसा है जरूर बताइएगा। और मैं, मेरा तबीयत इतना सही नहीं था, ऊपर से मैं थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन जाना तो पड़ता है। अपनों में नहीं जाएंगे तो फिर वो हमारे में कैसे आएंगे, यही होता है। लड़का का जैसा नहीं है ना, लड़की लोग अलग है ना। फ्रेंड्स मेरे, मुझे एक घंटा लगा तैयार होने के लिए, तो वो गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ये बोल रहे हैं। नकली अंगूठी मिला, सोना वाला रखा है, मुझे याद ही नहीं है। तैयार हूँ मैं, चलिए मेरे साथ, चलो चलो चलिए चलो। प्रणाम, चलो आ रहे हैं, चलो 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 चलते हैं, आ जाओ। बाय। चलो चलो चलो, तुमको बहुत धूप है तो सवेरे क्यों नहीं आते, मैं आपको इनडायरेक्टली बोली थी ना सवेरे आइए। बहुत धूप है, बैठ बैठ आगे रख लो, इतना सुंदर कैमरा मत करना, गिर जाएगा। किचन बना दीजिए ना, थोड़ा सा टाइट बन जाएगा, हल्का सा टाइट बन जाएगा, इसमें गिर जाएगा, सामान रखा है ना, जो है गिरा देंगे आप सब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकल चुके हैं मामा जी के घर, मेरे देवर जी के तिलक में जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तीन पार्ट में मैं डालूंगी, ये पहला पार्ट है। आप लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड प्लीज सपोर्ट मी, बाय बाय, लव यू।